हो, जय जोहार, नमस्कार। मैं हूँ विजय नमित। आप मन देखा तो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। और अब आप मन ला जोड़े पर गीत संगीत और माटी के छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा के रुंझुन के जाते लोक गीत और लोक धुन और ओमा डाले है फ्यूजन रॉक बैंड के अंदाज के साथ। तो छत्तीसगढ़ के पहली रॉक बैंड राग दी बैंड के हमारे सुपर सिंगिंग सेंसेशन अनुराग देवांगन जी हमारे साथ है आज हमारे पहुना में। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपके। जय जोहार न्यूज 36 के सभी दर्शक मल्ला, मेहर जोहार बोला था। तो स्वागत हम कर रहे हैं और कहे जाते कि हमर जो भाखा बोली में जो रंग है मिठास है ओला बहुत शानदार अंदाज में निभाए। तो सबसे पहले तो स्वागत हम आप मन के करत हैं। और अनुराग जी आपके एजुकेशनल जो अगर बात करें, कैसे आप मन सोचे हो कि संगीत है आपके जिंदगी के आधार बनी? देखो जैसे आप जब छोटेपन में रहते हो तो कभी ये चीज समझ नहीं आए कि आपला करना का है। धीरे धीरे आप मतलब जैसे एटमॉस्फेयर मिल जाते हैं उकर बाद समझ आते हैं कि आपला कौन सा फील्ड में आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है। तो जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं प्राइमरी स्कूल तो गाना नाटक संगीत मोर शुरू से रुझान जैसे धीरे धीरे कर करके वो चीज़ आगे बढ़त गई। स्कूल में पहुँचे हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुँचे, वहाँ के जितना भी यहाँ पर बड़े बड़े जो वो समय कंपटीशन होते हैं उसमें भाग ले हूं। और फिर धीरे धीरे करके एक चीज समझे इसकी मूला काम जो करना है वो म्यूजिक में। म्यूजिक 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 जेकर जिंदगी के आधार है म्यूजिक और कहे जाते फील्ड म्यूजिक। और हमन अभी हबन राग म्यूजिक एकेडमी में। अब मन लस बोले हूं कि राग म्यूजिक एकेडमी एकर पहली कह रहे हो राग म्यूजिकल बैंड। तब भैया एमे अंतर का है म्यूजिक ला अलग अलग आयाम दे के मतलब कैसे हो? और छत्तीसगढ़ में जो माहौल जो एक सेंसेशन आप क्रिएट कर रहे हो कैसे सोचे हो इसके बारे में? देखो मैं सबसे पहली पहला जो क्वेश्चन पूछे होकर आंसर देता हूँ कि आज भी छत्तीसगढ़ में यदि कोई बोलते है कोई लड़का यदि बोलना चाहते है कि मूला गाना गाना है तो अगर घर वाले मन तो पहली वाले सुनाते और बाद ये बोलते कि कुछ नहीं होने वाला। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म चाहता हूँ कि जो जो राग हमर मन के जो ग्रुप है उमा 5-6 अलग अलग सेगमेंट देता हूँ ताकि जैसे यदि कोयला सीखना है तो राग एकेडमी आ सकता है। जैसे कोयला मान लो म्यूजिक में क्रिएशन करना है वो क्रिएशन के अलग से एक जॉब बने हुए। कोयला रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग के अलग जॉब बने हुए। एकेडमी प्रोफेशनल मतलब ये है कि हमर साथ जो जुड़ी उमन सीधा एक प्रोफेशनल टीम के साथ जुड़ी, जो मतलब शो करना है उमन शो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो के मतलब ये है कि एकेडमी के साथ ही साथ अपन टैलेंट ला बहुत अच्छा आयाम दे जाते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात आते तो हमला पता है कि राग जो स्टूडियो है वो बहुत अच्छा अच्छा धुन ऑडियो और जो सुपर अंदाज में आगे बढ़ते हैं वो सब चीज हो है। तो सब चीज लेके काम करना मल्टी टैलेंटेड होना कैसे लगते हैं? नहीं ये मल्टी टैलेंटेड वाला बात नहीं है, टीम के बात है। जब हमार टीम इतना प्रोफेशनल है चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो जाए चाहे रिकॉर्डिंग सेक्टर में हो जाए या फिर लाइव शोज में हो जाए तो ये टीम वर्कर है। राग एक्चुअली सिर्फ अनुराग है ये मत सोचो, एक बहुत बड़े टीम है उमन सब हम काम कर रहे थे ना। हमारे मन के मेन फोकस यही है कि छत्तीसगढ़ी आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो पहला जो म्यूजिकल आप मन प्रयोग करे हो मोला पता है, हालांकि शुरुआत बहुत पहले से वगैरह से वायदरी डी छत्तीसगढ़ी रंग माइला जोड़ के आप करो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही से। तब कैसे लागी इतना पॉपुलरिटी मिली सब यूथ मन इतना अच्छा कनेक्ट हुई से? देखो एकर भी एक बहुत अच्छा कहानी है कि जब एकर वर्जन बना जाते जैसे पंजाबी और दूसरे दूसरा भाषा में मोर पास होकर लिंक आया कुछ मोर बाहर के दोस्त है उमन बोला बोलीस कि काबर छत्तीसगढ़ी में नहीं बना सकते। मैं बोलो यार देखो अभी तक जितना जन मन प्रयोग करे है उमन सिर्फ छत्तीसगढ़ी ला एक अलग वे में दिखा है, माया पीरा सुरता एंड सब थिंग। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक्चुअली जो यहाँ के ट्रेडिशनल खाना है यहाँ के जो ट्रेडिशनल डांस है और जे चीज में छत्तीसगढ़िया खुश होते ओला यूज करें चालू करे लाइक जैसे बोरे बासी पताल की चटनी ये फूड में हो गए। रॉक के जो हमारा जो कंपैरिजन रीस है वो पंथी और ददरिया से रीस है। क्या बात। तो ये बहुत क्लास बन गए वो टाइम में और बहुत अच्छा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो। आप मन का लगते हैं छत्तीसगढ़ में जो म्यूजिक ला लेके माहौल आप मन बना हो तो अब स्टूडेंट मन कैसे इस फील्ड में आते? और लाइव शोज की अगर बात करें तो राग दी बैंड के जो शोज चलते तो एकदम यूथ में वाह वाही और धमाका हो जाते, तो लाइव शोज और एकेडमी ये दोनों चीज ला बैलेंस कैसे आप मन कर पाते? मैं पहली भी बोल रहा हूँ कि राग सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम है और हमार आज टीम में कम से कम 40 से 45 वर्क है जो काम कर रहे थे।
कुछ एजुकेशन सेक्टर में कर रहे थे, कुछ हम रिकॉर्डिंग सेक्टर में कर रहे थे। हमर जो कोर टीम है वो अभी फोकस कर रहे थे छत्तीसगढ़ी फोक और फ्यूजन में, छत्तीसगढ़ी फोक फ्यूजन। हाँ, और दूसरा बात ये है कि आज आप देखो हम करीब करीब 10 साल हो गए हैं हमारा ये काम कर, हमारे जितना बच्चा है अभी जो निकले हैं ओमन अब वर्क करना शुरू करे, ओमन आज देख लेते छत्तीसगढ़ी में जितना भी बैंड है कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट हरे। बिल्कुल, तो हमारे दर्शक मन घलो चाहत हुए मन के मन में इच्छा की कोई गाना कोई गीत संगीत आपसे सुनन, तो अनुराग जी कोई एक आपके पसंद के गाना हम सुनना चाहते। मैं हमेशा जो प्राइमरी जो चीज रही इसमें हमेशा बोलता हूँ कि मोला सिर्फ छत्तीसगढ़ी से प्यार है, तो दो लाइन है वो सुनाता हूँ। गिटार तो अभी हाथ पे रखे नहीं हो लेकिन सुनाता हूँ। मोरभा खा संग दया मया के सुघर हावे मियाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन नाप रे। मोरभा खा संग दया मया के सुघर हावे मियाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन नाप रे। वाओ, ऐला कहते वावसम वाला फीलिंग। अब मैं एक बार फिर से कहता हूँ फील द म्यूजिक और संगी हो आप मन देखत हो आप मन के सुघर कार्यक्रम हमर पहुना और हमर बीच है छत्तीसगढ़ के सिंगिंग सेंसेशन अनुराग देवांगन जी और आप मन के साथ न्यूज 36 में ये साथ बन रही। अभी फिलहाल बेरा है एक ठो ब्रेक लेके, तो ब्रेक के बाद आप मन से फिर बातचीत करबो कहूं जाहू जन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सब जन के स्वागत है। आप मन देखत हो हमर पहुना कार्यक्रम और हमर बीच आज छत्तीसगढ़ के जाने माने सिंगिंग सेंसेशन राग बैंड के म्यूजिकल डायरेक्टर अनुराग देवांगन जी है। तो अनुराग जी आप मन से म्यूजिक के बारे में बातचीत कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लागत है। जे मतलब टैलेंट है, जेकर मन में टैलेंट है, जेला एक प्लेटफॉर्म चाहिए, स्टेज चाहिए, ओकर बर आप मन का उदित करते। एक चीज मैं बोलूं कि आप मन यदि हमारा YouTube चैनल हो गए या फिर कोई भी सोशल मीडिया फॉलो करत हो तो एक चीज देखो कि जो बच्चा या जो ऐसे आदमी है जो ऐसे कलाकार है जो वाकई में टैलेंट है और हम प्लेटफॉर्म दे हैं। जैसे आप पीताम्बर साहू के बात करो, जीवी कांदा जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। हाँ। तो ऐसे कई आदमी है जो मतलब हम प्लेटफॉर्म देते हैं और वो अभी देते रहेंगे, क्योंकि हमला सिर्फ छत्तीसगढ़ी के लिए बढ़ाना है, जो छत्तीसगढ़ी के लिए सोचते वो मतलब हम प्लेटफॉर्म देंगे। क्या बात है। और एक इनोवेशन मुला भी पता है, हालांकि मैं आप मन के मुंह से जाना चाहूँ कि राग म्यूजिक अकेडमी के अलावा आप इनोवेटिव जो लेके चलत हो संगीत भर आगु आए भर लोगन मन ला जोड़े भर, वो फाउंडेशन के बारे में मैं जाना चाहूँ। जो हमारा फाउंडेशन है देखो कहा होती से जब हम शुरू कर रहे हैं राग म्यूजिक अकेडमी, तो ऐसे कई बच्चा है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत गरीब है या फिर ऐसे कई बच्चा जगह पेरेंट्स मन इला अलाउ नहीं करे, जो मन बोले कि सर मैं दूसरे बहाने से आता हूँ लेकिन हमें सीखना है। मैंने एक कंसेप्ट लिया कि हमन इतना बजे से इतना बजे तक हमन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे, और बच्चा मन आके सीखे शुरू करीस और परफॉर्म करे शुरू करीस और उकर इम्पैक्ट ये पड़ गए कि आज के डेट में जितना भी बड़े शो हुआ थे जितना भी सोशल शो हुआ थे वो लड़का मन परफॉर्म कर रहे थे और राग के नाम। क्या बात है। कहे का मतलब कि राग में अनुराग है, अनुराग में राग है। और एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँ, जब आप मन शुरुआत करे तो फैमिली के सपोर्ट कैसे रही से और अब जब इतना सुघर नाम हो गए तब कैसे आप मतलब फीलिंग हो? देखो मैं पहली बताया कि हम छत्तीसगढ़ आदमी है और यहाँ पर म्यूजिक के वैल्यू सिर्फ यही है कि गाना गाते हो एंटरटेन के लिए। हाँ। वो ये नहीं सोचा है कि ये चीज इतना प्रोफेशनल हो सकते है, जगह में यहाँ पर इतना ज्यादा टैलेंट है और यूटिलाइज दूसरा मन कर रहे थे, वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमन खुद ये चीज ला आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, मम्मी पापा मन भी बोले इसकी का कर तो इंजरी कंप्लीट हो गए पढ़ाई करे एक बात था, लेकिन धीरे धीरे करके मम्मी पापा मन के सपोर्ट हुई उसके बाद फिर ये चीज आगे बढ़ती। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक सेलिब्रिटी नेस वाला जो फीलिंग आते और बॉलीवुड के जितना कलाकार मन आते तो पहला जो नाम रहते कि भैया अगर हमला जरूरत है म्यूजिकल के तो राग बैंड के जरूरत है, तो ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंस रहे जब आप मन बॉलीवुड के आर्टिस्ट मन के साथ परफॉर्म करे हो?
लगभग तो सभी जन से हो गए, जरीन खान हो गए, रणवीर हुड्डा हो गए, और लगभग लगभग म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बाद चंचल जी के साथ मन शो कर चुके हैं। लगभग लगभग मान के चलो कि जितना यदि 80% हमारी टीम लगा थे आज के डेट में। लेकिन एक चीज मोला जो समझ है इसमें कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो मतलब उकर से मतलब नहीं हुए, आप कितना कलाकारी दिखा सकते हो उकर से मतलब होते। क्या बात है, के मतलब है अगर आप में टैलेंट है तो ज्वाइन करो राग एकेडमी। और संगी हो एक और सुघर बात आप मन के बीच अमन करना चाहो कि म्यूजिक ला फील करे बर आप मन ला दिल से म्यूजिक ला जिए ला पड़ते। कोई ऐसे एक्सपीरियंस, कोई ऐसे वाकया ऐसे हुई जब कोई आप मन के बीच आके किसो की का बात यार मजा आ गया और वो आपके दिल में वो बात अभी भी आवे, ऐसे कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहो। ऐसे तो बहुत मोमेंट आते, रोज शो थे कोई ना कोई बोलते कि बहुत अच्छा गाते। मैं वो आदमी मतलब पसंद करता हूँ जो मन, मैं बताता हूँ कि हमन इंग्लिश भी गाथन हिंदी भी गाथन और ऐसे कई टाइम आते हैं जब मोला ये लगते कि यार ये मन सुन के ना कुछ अलग सुनाओ। और मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ी गाल चालू कर देता हूँ भले क्राउड कोई भी रहे। तो कई बार ऐसे हो है कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना वो खड़े होके बोलते कि यार तुम ये जो करत हो ना छत्तीसगढ़ी में इलाही आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, तो वो चीज़ प्राउड फील होता है कि मोला हमला करना है वही करबो हम। हमो मन अभी आगे बढ़बो और एक सुगर वाला जो गाना जाबो पिया आरी से महू खुद सुने रहे हूँ और यूट्यूब में भी देखता सुनता तो मजा आते। पिक्चराइजेशन पूरा टीम वर्क बड़ा कमाल करी से, ओकर बारे में क्या बताना चाहो। जो जाबो पिया है एक्चुअली थोड़ा सा मन वाला रिसर्च करके बना रहे हैं कि एक औरत जो ला हमन टून ही करके मीडिया भ्रांति फैले हुए है वो चीज ला वो उकर जो आप बीती है कैसे वो एक टाइम के बाद 16 साल में उकर शादी हो जाती है कैसे वो दहेज के लिए मारे की कोशिश करे जाते और एक टाइम के बाद जला के वो विक्षिप्त होके करके जंगल में छोड़ दिए जाते है। वही जब दूसरा मला दिखते तब वो ला टोल ही के एमएल देते। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट रही है और सबसे बड़े बात ये रही है कि अब ये चीज ला हम दिखान काम हम रॉक में तो दिखा नहीं सकन। तो हमने क्या करें कि एकर साथ ना एक नया प्रयोग करें कि हमारे जो बिहाव गीत है बिहाव गीत ला हम एक साथ मर्ज करें फ्यूजन में और फिर वो चीज नया चीज। बिल्कुल, कर्मा ददरिया सुहा सब रंग ला जोड़त आपके बीच राग के जो सुगर अंदाज से पहुंचे थे। कोई गीत संगीत में जब आप मन जुड़ते हो नवा स्टूडेंट आपके बीच आते तो आप मन किसे समझते हो कि ये लड़का में टैलेंट है और बहुत आगे जा सकते। देखो एक चीज तो है कि ये तो मैं बोलता हूँ कि आर्टिस्ट ला आप सिर्फ एक मोल्ड कर सकते हो लेकिन आर्टिस्ट तो पैदा होते हैं। आप बोला कितना भी बोलो यदि कोई स्पोर्ट्स के आदमी है बोला तो गिटार बजाना सिखा दो तो कभी नहीं सीख सकते। बिल्कुल, और जोला इंटरेस्ट रहते है बोला तो यदि ग्राउंड में भी बोलवे ना तो काम करेंगे। बिल्कुल, लाइव शोज जैसे होते तो लाइव शोज करे कि अपन अलग एनर्जी होते तो एनर्जी लेवल ला अपन हमेशा इतना बिजी रहे के बाद कैसे इंक्रीज करते हो कैसे मस्त रहते हो। मैं अभी थोड़ा से कम कर रहे हैं शोज, अभी मोर सिर्फ एक ही कंसेप्ट चला था कि यदि करूँ तो सिर्फ छत्तीसगढ़ी रॉक में करूँ, बाकी यदि लाइव शोज के एक बात है तो वो देखना पड़ता है कि क्राउड का चाहते। क्राउड यदि पूरा यंग है तो यंग टाइप एंटरटेन करने पड़ते, क्राउड थोड़ा से यदि लगता है कि ओल्ड एज में जाते तो उसका हिसाब से एंटरटेन करते। नवा टैलेंट जो म्यूजिक के फील्ड में जुड़ना चाहते चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के लिए हो चाहे वो ऑडियो के लिए हो, मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला थे तो ये प्लेटफॉर्म के अलग अलग सेगमेंट आप मन बता रहे हो तो एक थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहो। राग एकेडमी हो, राग म्यूजिकल बैंड हो या रॉग ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो, तो तीनों जो चीज है तीनों जो एक क्षेत्र है ते में कैसे आगे बढ़ते चीज। देखो मैं एक चीज बोलूं कि जो नया बच्चा है बोला शुरुआत करना चाहिए राग एकेडमी से। ठीक है, एकेडमी से शुरुआत करी हमला समझ आई कि वो क्या चीज में है, वो क्रिएशन में है प्रोडक्शन में है कि या लाइव म्यूजिक में है। यदि वो क्रिएशन में हुई तो ओला हमन सपोर्ट देवो सेकंड चीज में जो ओला बोलते हैं राग स्टूडियो। बिल्कुल, यदि वो है प्रोडक्शन में है तो राग हमार जो राग प्रोडक्शन की टीम है उकर साथ जुड़ सकते हैं। यदि वो लाइव है बहुत अच्छा बजाते लोग मतलब पसंद आवा थे तो वो हमार मन के साथ जाके शो कर सकते। क्या बात है, तो फिलहाल अभी ये बेरा है फिर से एक नानखुन ब्रेक लेके आप मन कहंचो मत जाओ कभी की इतना सुगर बातचीत चला थे जाए के मन बिल्कुल नहीं है। फिर ये ब्रेक ले लौट के हम आते देखत रहो हम पहुंचा।
संगी हो ए ब्रेक के बाद आप सब भोजन के फिर से स्वागत है। आप मन देखा तो कार्यक्रम हमर पहुना न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज का मैं हूँ विजय नमित और मोर साथ है सिंगिंग सेंसेशन अनुराग देवांगन जी। तो अनुराग जी अब कौन से बेहतरीन वाला गाना आप मन सुना? अभी सुहा गीत सुनाए कोशिश कर रहा हूँ, फ्यूजन में थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं और डाले के के साथ यदि बिहाव गीत को जोड़े दो क्या बात। जाहू पिया के अंगना दाई, जाहू पिया के अंगना, जाहू पिया के अंगना दाई, जाहू पिया के अंगना। क्या बात है, मजा आ गया और सुन के दिल में ऐसे मिठास भरी से कि क्या बात है क्या बात है। ये दो गाना हमारे इतना अच्छा अंदाज में सुने, रायपुर ला एक अलग पहचान आप मन दिला हो रायपुर एंथम के माध्यम से, तो ओकर सोच कैसे आप मन बनाए और रायपुर के अलग अलग जो प्रचलित जगह है वाला दिखाए के जानी माने अंदाज में दिखाए के कैसे आप मन ये बात लागे बढ़ा। ये बात रही 2010 के और उस समय का है रायपुर, यदि न्यू रायपुर की बात करो तो डेवलप होते रही से। हमन जब बेंगलोर जान दिल्ली जान तो एक चीज देखन की वहां के खुद के एंथम होते, तो 2010 के बाद शुरुआत तो करें गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखें, गवर्नमेंट ला समझ नहीं है इसके एक्चुअली होत का है। ओकर बाद हमन खुद अपन काम चालू करें, हमन खुद के टीम हर जगह जा जाके ये शूट करीस, हमन खुद के गाना बनाएं और उमर रायपुर के मिठास, रायपुर में का चीज फेमस है, काबर फेमस है, कहाँ अब वो सब चीज फिर लेके हमन 2001 साल लगी करीब करीब, क्योंकि हमन रायपुर इतना बड़े चीज है, इतना वॉस्ट ओकर आप ये बोल सकते हो कि अलग अलग फील्ड रिस पूरा मिलजुल करके जैसे तैसे करके हमन फिर 2012 में रायपुर सॉन्ग लाइन। उकर बाद जब मोर रायपुर के कंसेप्ट है इस, तो मोर रायपुर के लिए भी हमन एक गाना तैयार करें जेमा शहीद वीर नारायण से शुरू होके अभी तक के जो काम है, यदि आज रायपुर जाने जाते हैं तो वो वीर नारायण के कारण जाने जाते हैं, वीर नारायण से शुरू होके आज जो डेवलप रायपुर हुए वहां तक के पूरा एक जो कहानी है वो हमन मोर रायपुर में दिखा। बिल्कुल, तो हमन चाहो कि थोड़ा से अगर ये अंत हो पाती खबर की मोर रायपुर के बाद बनाते और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया मन कथन, तो थोड़ा सा मिठास भले भरे बहुत जरूरी होते, क्या कहना चाहो? बस एक छोटे से मैं ट्यून वाला सुना देता हूं, ज्यादा बड़े तो नहीं सुना हूं। सपनों के जैसा शहर ये रहता है दामन फैलाए, एक बार जो यहाँ आए होकर यहीं कर जाए, ये मेरा शहर है सपनों का नगर है, धड़कता जिगर है रहूं मैं पास जाके दूर रायपुर। सो दिस इज रायपुर हमर छत्तीसगढ़ और आप मन देखा तो हमर पहुना कार्यक्रम। अनुराग जी अब समय हुआ थे कार्यक्रम ले विदा लेके, मगर जाए से पहले हमर जो नया टैलेंट है न्यू बैच है वो स्टूडेंट मनला वो प्रतिभा मनला का मैसेज देना चाहूँ एक कार्यक्रम के माध्यम से। एक ही मैसेज है कि आप जब तक अपन जड़ और जमीन ला याद रखू तब तक जड़ और जमीन आपला याद रखी, यदि आप छत्तीसगढ़ी ला भूल के यहाँ के जो अभी कल्चर चला थे कि हमन इंग्लिश रॉक और दुनियादारी और बाहर पढ़वो ये सब, आप जब तक छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करो छत्तीसगढ़ आपकी सेवा करेगी। तो मैं यही बोलूँ कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ नहीं भूलना है।
क्या बात है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद अपना दीदन। और संगी हो, ये जो सिलसिला है ये गीत संगीत के आगू इसने चलत रही, आप मन देखेला जन भुलाहू कार्यक्रम हमर पहुना छत्तीसगढ़ के आवाज जे आप मन ले मिलते न्यूज 36 के साथ। तो अब बेरा है आप मन से विदा लेके, मैं विजय नमित आप सब सन्द कहा हूँ, खुश रहो, मस्त रहो और जुड़ मिलके गीत संगीत से जुड़े रहो। अब देव विदा, जय जोहार।